सीमा जाना पड़ता है और जाकर के ही खेल पकड़ना पड़ता है। इसी क्रम में ही यह हुआ कि चल करके इस समय के जो रेल मंत्री थे उनसे जाकर के मिले कि भाई छिटौनी छूट रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि रेल मंत्री जी ने कि पहले आप लोग कहे नहीं, नहीं तो यह छूटता नहीं, हम इसको भी जोड़ दिए। चलिए, राधेश्याम जी शर्मा है, रामबाबू गुप्ता है, किशन गिरी जी थे और दो चार लोग थे उसमें, उन लोगों के प्रयास से किसी भी तरह राजेश के माध्यम से हम लोगों को छितौनी से तमकोई रोड परियोजना मिली। यहाँ सवासल जो दो चार लोग हमको दिख रहा है, पहली बोर्ड की बैठक में मुझे बुलाया गया था और पहली बोर्ड की बैठक में पहली बैठक में मैंने विषय रखा था कि लाडो मिष्ठान की दुकान से लेके और यहाँ तक का दुकान का जो सड़क है, मैं अभी प्रशासक कार्यकाल में उसका एस्टिमेट बनवा दिया था, एस्टिमेट बनकर तैयार था, एक पार्ट उसका मुख्यमंत्री योजना में स्वीकृत भी था। ये लोग मैं समाचार के सामने वह कह रहा हूँ, एक पार्ट उसका मुख्यमंत्री योजना में से कई पार्ट बना था, कोई लंबी सड़क नहीं थी, उसको तीन चार पार्ट किया गया, एक पार्ट मुख्यमंत्री योजना में स्वीकृत हो गया था, उसमें नाम गलत हो गया तो नाम संशोधन के लिए पत्र भेजा गया था, वो आ गया होगा नाम संशोधन। मैं तीसरा जो तीन पार्ट था मैंने उसको कहा कि राजभित में न हो तो पंद्रहवा भी तेरा जी तो उसको करा ली, तब तक आचार संहिता लग गया, आचार संहिता लग गया तो मैं टेंडर नहीं कर नहीं हो पाया प्रशासन कार्यकाल में, लेकिन उसके बावजूद भी पंद्रहवा भी में जो एक प्रश्न हो गया था एक पंद्रहवा भी में एक पार्ट उसमें स्वीकृत हो गया, तो मेरी जानकारी के हिसाब से दो पार्ट उसमें स्वीकृत हो गया है पहले का ही, एक या दो पार्ट और उसमें बचा हो गया। तो पहली बोर्ड की मीटिंग हुई तभी मैंने कहा कि आप सभी सभा सहयोग थे, 14 लोग माननीय सभा सहयोग थे और चेयरमैन साहब भी थे, मैंने कहा कि अगर आप लोग कोई आपत्ति हो उसको कैंसिल करिए, सब लोग स्वर सम्मत से कहा कि नहीं ये बनना जरूरी है, कोई इस पर आपत्ति नहीं, हमने कहा कि आगे इसको टेंडर करा के इसको कार्य को कराए, लेकिन उसके बाद मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, मैं कार बार कहा भी चेयरमैन साहब से उसको लगाकर, अभी मैं पिछले सामूहिक विवाह हमारे पास था अड्डा में आए थे चेयरमैन, इसी तरह हम लोग नगर पंचायत स्वतः एक संस्था है और उसके अध्यक्ष और सभासद ही मालिक थे, बहुत ही क्लियर कर राजेंद्र अग्रवाल जी हम लोग के गार्जियन और अभिभावक है, इस बात में आपसे जो बात मैं कहूँगा स्पष्ट होगा कोई छोड़े नहीं, हम लोग जब प्रशासन जब कोई चेयरमैन नहीं था तो उस समय अधिकार सरकार के में हम जब विधायक थे माननीय सांसद जी थे तो एसडीएम प्रशासक थे, तो हम लोग के गाने बजा सकते, जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो चेयरमैन ही याद याद होता है और अपनी व्यवस्था को चलाता है उनके बोर्ड के सदस्य, तो हम ही पहली मीटिंग बाद अभी तक कभी हम नहीं जाने के तो बात हमें आपको बता दी। अब रही बात कि अपने नगर पंचायत के खिलाफ जो बात है, अब आपने माननीय सभासद जो सर एक बार चेयरमैन साहब से पूछा रखिएगा, ठीक है, मैं दो तीन बार इस बारे में उससे कह चुका हूँ, अगर मुझसे बुला कर पूछना हो तो हम लोग पूछ सकते हैं, कई बार मैं कह चुका हूँ, सांसद क्या है, अब आगे तो बात कर रहा हूँ, ये बात है। दूसरा कोविड हॉस्पिटल के बारे में, कोविड हॉस्पिटल के बारे में मैं जब विधायक हुआ तो सबसे पहले विधानसभा मैंने क्वेश्चन लगाया, वो आन पेपर है आन रिकॉर्ड है, मैं उसको भेजा दिया और स्पष्ट उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का जवाब आया कि ये कोविड हॉस्पिटल कोरोना का कोरोना की जब महामारी चल रही ये जैसे अब बात कहा जाता है बात कहना और प्रिंटर में दोनों अंतर होता है और यहाँ बात जाती बात पर कहना तो आसान है करना वो कठिन है, कोरोना काल में बहुत सारे समाजसेवी संगठन बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े उद्योगपति कोरोना से निपटने के लिए कोरोना के समय में कोई बेड नहीं जाता था कोई किसमें किसी को रखा जाए बहुत बहुत बड़ी कंपनियां डोनेट करती थी, उसी कोरोना काल में यहाँ पे कोई बड़ी संस्था NGO जिन्होंने डोनेट किया कि हाँ मैं कोरोना के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल बना, वही 100 बेड बना नहीं बना 100 बार का नहीं है लेकिन 100 बेड का उन्होंने डोनेट किया कि यह हॉस्पिटल बनवाने के लिए, तो वो हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने कोरोना काल के लिए महामारी के लिए सेपरेट बेड हो देखे होंगे आप खंड खंड बना हुआ अलग दो चार चार बेड का वो खंड खंड बना हुआ है, तो कोरोना काल में वो मरीजों को रखने के लिए खंड खंड बना हुआ है, हॉस्पिटल का जो सीन होता है जैसे खड्डा में एक हॉस्पिटल बन रहा है 50 बेड का
सियासी काम में जाइए, देखिए उसकी बिल्डिंग बन रही है और मेरे विधायक होने के 6 महीना के बाद 8 महीना के बाद सुप्रीम जो हमसे कह रहे शिलान्यास हमने का शिलान्यास सीधे लोकार्पण करेंगे। वो काम चल रहा है 50 बेड का हॉस्पिटल और 20 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल, बच्चों के जो वार्ड भर्ती करने के वो हॉस्पिटल बन रहा है। तो वो सरकार के रिकॉर्ड में 50 बेड का और 20 बेड का हॉस्पिटल खुला है और उसपे जब वो बन कर तैयार हो जाएगा तो उसपे डॉक्टर आएंगे और सारी व्यवस्थाएं वहां रहेंगी। ये जब मैंने उसमें विधानसभा क्वेश्चन किया विधायक होते ही तो सरकार का जवाब आया कि अपने निजी संसाधन से जिला वो बनकर बना बना हुआ है और निजी संसाधन से जिला या व्यवस्था के हिसाब से उसको संचालित हम कर सकते हैं। तो निजी संसाधन में संचालित करने के लिए भी यहाँ के PSC CSC को अपडेट करना पड़ेगा। अभी आपकी जो खड्डा भाई पूरे विधानसभा में 2 ही CHC है, CSC है, एक है खड्डा और एक है नौरंगिया, तो कहाँ है खड्डा नहीं तो कहाँ। इसके बाद कई PSC है जैसे शिवपुर में PSC है, यहाँ PSC है, मुजौली है, उसको PSC के मानक हिसाब से जो डॉक्टर एक दो होने चाहिए वो है आपको पूरा निकाल, इसका हम लोग को प्रयास ही करना पड़ेगा। हम हवा हवाई से रुपये उससे काम नहीं चलने वाला है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ करा पाना शासन से कठिन बात है, इसलिए उसमें भी नहीं नापित हो पाया, उसमें भी नहीं हो पाया था, सिर्फ बन गया था। यहाँ के हॉस्पिटल को पहले हमको CSC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रयास अब हम लोग ये होना चाहिए कि छतौनी में एक CSC बने, समझा जो CSC बने बड़ा हॉस्पिटल, CSC जब बनेगा तो ऑटोमेटिक सारे डॉक्टर बनेंगे, उसकी बिल्डिंग बनेगी, तो उसकी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कहेंगे इसी को उसको उपयोग में ले। तो हमारे ये दिमाग में है कि छतौनी को स्वास्थ्य विभाग की, अगर फिर मैं कहा कि उसमें ऐसी सड़क है बहुत जरूरी है तो नगर पंचायत सूरत मिल जाए, अब इस बात की हमारे पहले ही बात इस बार पहले ही, क्योंकि हम लोग जाने बैठे DM को लेकर DM साहब ने समय दिए थे कि हम चले गए कोविड हॉस्पिटल और देखकर वहाँ जैसे जो आवास वाली बात आप कहे हैं, आवास के लिए हम लोग क्रिटिकल थे, प्रयास में बात हुई है, सीओ मैम को जानकारी है और DM साहब को जानकारी है, आप लोग कोई मिलेगा बता रहे हैं कि हॉस्पिटल पहले आवास बनवाना चाहिए, बने आवाज सही वाला नगर पंचायत करे अलग से चालू जब भी हमारी बात बैठने वाला एक मिनट अभी आपको पास कर रहा हूं, परसों हमारी बात तो होती है, इस बात हो जाती है, मैं उसी दिन क्या हुआ पोल आपका आज तो हो गया 5 दिन आपको कहे हुए अच्छा गाड़ी हड़ता तथा करता है, अच्छा हाँ ठीक है समझ गए, चलिए ड्राइवर हड़ताल तो आते ही हाँ आप समझ गए ड्राइवर हड़ताल है, सही बात है, अब खत्म हो गया हड़ताल खत्म हो गया और संडे मंडे क्या जी को प्रणाम कर रहे हैं आप, बगल में बैठे हुए हैं हमारे लीडर साहब संजय उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। हमको एक बात कहना है कि नौ तनावा से छितौनी का ट्रेन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, अगर आप जोड़िएगा हम लोग सपोर्टर हैं आपका, ठीक है नौ तनावा भारत माता की जय। छितौनी तमकुही रेल परियोजना के संघर्ष समिति के सदस्यों का सबसे पहले मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देखिए सबको पता है 1.5 दशक पहले जो परियोजना शुरू हुआ वो कोविड में नहीं बंद हुआ था, अग्रवाल साहब कह रहे थे कोविड में, कोविड तो 2020 में आया, 2020 में, लेकिन बंद तो 2018 में बाजारी मानी, ठीक है काम चल रहा है, 4 किलोमीटर 64 किलोमीटर में 4 किलोमीटर रेल लाइन बना दी, नया रेलवे स्टेशन बना भी, उसके बाद एकाएक बंद हो। जब हम लोग सदन में आवाज उठाए तो जवाब मिला रेल विभाग से कि वर्तमान के समय में रेल पैसा वहीं अपने परियोजना की लगाती है जहां फ्रेट के रूप में उसको लाभ मिले, फ्रेट के रूप में लाभ नहीं मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट 4 साल पहले 3 साल पहले बंद हो चुका है। अब सबको पता है
बंद परियोजना जो 8 साल 10 साल से हो वो बड़े आसानी से चल जाए, कोई भी परियोजना। इतिहास गवाह है बिना संघर्ष के, बिना मजबूती के, बिना आवाज उठाए बंद परियोजना चलती नहीं। आप लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा शुरू किया, लेकिन ये परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों के लाभ के लिए था, केवल चितौनी के लिए नहीं था। चितौनी की बात करेंगे तो चितौनी के बाजार के लिए इतनी बड़ी परियोजना नहीं चल पाएगी, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों के लाभ को देखकर ये चालू किया था। केवल उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र के लिए नहीं चालू हुआ। तो जब आप लोग बिहार के लोगों को लेकर, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ, रोज की दैनिक कार्रवाई देखता हूँ। आप लोग के आने के पहले मैं जान रहा था कि आप लोग आने वाले, तो मैंने वहाँ व्यवस्था किया ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोग को ज्यादा समय नहीं देना पड़ा। उसके बाद से लगातार आप चाहें तो अभी भी मैं पूछ सकता हूँ। ईडी पीजी विकास जैन रेल मंत्री के पीएस हैं, मैं उनसे 2 बार पूछ चुका भाई, जनता हम लोग से जवाब चाहती है। सदन में उठाना था आवाज, वो सांसद का एक दायित्व था, मैंने निभाया। लेकिन कहा जाता है किसी संघर्ष में सड़क से सदन था, तो अब तो संघर्ष सदन से हटकर सड़क पर शुरू हो चुका है। तो जनता जवाब चाहती है, मैं क्या दूं। उन्होंने कहा कि हम लोग गहन विचार कर रहे हैं, गहन उसमें कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी आपको बताएंगे नहीं, कुछ दिन और ठहरिए। अब वो कुछ दिन ठहरिए का मैं फिर एक बार आपके सामने बात कर सकता हूँ। तो उनके आश्वासन पर आप बैठ जाएं और हम बैठ जाएं, तो ये तो मैं 2019 से लगातार आवाज उठा रहा हूँ, कोई नया बात थोड़े। तो मेरे कहने का मतलब, संघर्ष समिति के हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य, 2 कार्य बहुत अच्छा किए। एक तो हस्ताक्षर वाला अभियान, और दूसरा आप लोगों ने जो शुरू किया पोस्ट कार्ड वाला अभियान, वो भी बहुत शानदार। लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ बिहार से थोड़ा आप लोग अपने को समेट रहे हैं। क्यों नहीं बिहार के सांसद सतीश द्विवेदी से शुरू किए, क्यों छोड़ दिए? क्या सुनील कुमार हैं, उनके भी तो क्षेत्र के लोग लाभ लेंगे। इस पूरे परियोजना का आप अगर भौगोलिक स्थिति देख लें, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा ये लाइन बिहार होके गुजर रही है। जी जी। तो बिहार के लोगों को जोड़ना हमारी मजबूरी है। बिहार उत्तर प्रदेश दोनों लेकर चलाया गया था ये परियोजना। सरकार एक बात हम करना चाहते हैं, आपने कहा आप लोग बोल लीजिए तब मैं बोलूं। बोलिए। अभी आप पनिहावा और बगहा के पुल का उदाहरण दे रहे हैं, तो पनिहावा पुल पर संघर्ष कम हुआ था क्या? कै साल हुआ था बताइए गुरुजी, बताइए। अभी तो एक तरह से कहें जंग की शुरुआत है, अभी तो इसको कई प्रारूप है। अभी इसमें एक आंदोलन भी किया जाए बड़े स्तर पर, ताकि उसकी गूंज वहां तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम में कुछ भी नहीं है, यहाँ इस रेल परियोजना को सीधे भारत सरकार रेल मंत्रालय तक पहुंचाना है। अब उसके लिए हम लोग हर तरफ से तैयार हैं, रूपरेखा बनते रहे। आप लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर सीनियर लोग हैं। बाकी एक बार और चला जाएगा दिल्ली, थोड़ा दिन का मोहलत आप लोग दे रेल विभाग को, फिर चल के ये प्रश्न उठाया जाएगा। और जब भी कहीं पता लगे कि रेल मंत्रालय का कोई उद्घाटन कोई ऐसा कर, उस दिन आप लोग को आना चाहिए था। जिस दिन बस्ती, क्यों बस्ती तो बहुत दूर है, अमृत भारत को जो माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या से रवाना किए थे, उसकी स्वागत केवल बस्ती थोड़े हुआ था, कप्तानगंज भी हुआ था। बहुत से सीनियर डीएनओ अधिकारी, कई लोगों ने अपना अपना दिया, लेकिन वहाँ एक थोड़ा सा जनमत लेके रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, उस तरह का कहीं भी कार्यक्रम लगे तो अपनी जनमत का प्रदर्शन एक बार वहाँ करें, सलीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा। और संघर्ष समिति बनाए हैं,
तो संघर्ष जिन्होंने नहीं किया हो वो शायद नहीं जानते हैं। यहाँ तो संघर्ष के बुनियादे पर जन्म हुआ है हम लोगों का। ये स्थल पर भी जो लोग बुलाकर धरना दिलाए थे हाफ पैंट पहन रहे थे, लोग जंघिया पहन रहे थे, आज संघर्ष की बात करते हैं। इस कुशीनगर में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का क्या रास्ता होता है हमने दिखाया है युवाओं को, क्योंकि हमने 6-6 महीना जेल काटा है, एक दो बार नहीं कितनी बार, अपने घर के संघर्षों के लिए नहीं, सामाजिक संघर्षों में। मेरे ऊपर रास्का लगा था, मुकदमे दर्जनों लगे हैं, तो संघर्ष मैं जानता हूं, संघर्ष अंत में संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। आप लोगों ने शुरुआत किया है, इसी के लिए तो मैंने शुरुआत में अभिनंदन स्वागत आप लोगों का आना पड़ता है। और ये तो रेल विभाग का मामला है, अब पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं रेल विभाग फायदा किराया से नहीं जोड़ती है, फ्रेट से जोड़ती है, भाड़े से, उसके वाहन उसके माल का क्या फ्रेट मिल रहा है उससे चलता है रेल। तो उसका एक बार रिपोर्ट गलत लग गया तो उसी पर बैठ थोड़े जाना, हम लोग दिखाएंगे कि बिहार यूपी के लोग इससे आवागमन बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो माल का आना जाना लदना तो रहेगा ही। तो इस तरह संघर्ष समिति के साथ हम लोग आपके प्रयास के कहीं भी कदम बढ़ाएंगे तो हम लोगों को अपने साथ साथ नहीं अपने आगे पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अभी एक बार और मैं यहीं पर बात करूंगा रेल मंत्री भारत सरकार के पीएस से, विकास जैन से, और आगे भी आप लोगों का जो भी रास्ता बने, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ही विद्वान हूं, बहुत से लोग हैं यहां पर, जो भी रास्ता मिलजुल के जो रास्ता बनाए उसमें विधायक जी भी हैं हम भी हैं, क्योंकि हम लोगों का ये घर का मामला है, ये घर का एक तरह से परियोजना है। लोकसभा तो पूरा है लेकिन गृह विकास विधानसभा गृह विकास खंड तो यही है, चिकौनी है। तो हम लोग इस संघर्ष में आपके साथ हैं। अब ये आप लोगों को भी पता इतना तो है कि इस साल का जो बजट बना था उसमें तो चिकौनी सब कोई था नहीं, लेकिन संघर्ष चलेगा तो इसी चुनाव के बाद 2024 के बाद बजट आनी है उसमें पड़ गया तो ये परियोजना शुरू हो जाएगा। तो आज से इसका नींव मजबूती से रखें और आप लोग के साथ हम लोग सभी तरह से साथ हैं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।